चलो कब कहां तक लिखा था? चौहान वंश के कोई जानकारी के स्रोत लिखवाए थे। पुस्तक लिखवाई थी, वो पुस्तक ही जानकारी के स्रोत है। हाँ जी, अब देखो एक और स्रोत है। बस बातें नहीं करनी है, अपने अखंड ध्वनि पर पूरा विराम दे। एक अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख, जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने पहले की थी, जमर राजपूत काल पढ़ रहे थे। आवाज सुन रही है ना? हाँ, तो राजपूत काल पढ़ रहे थे, तब एक नाम लिखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, और गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और भंडारकर, उन्होंने ये कहा कि बिजोलिया अभिलेख के आधार पर राजपूत कौन थे? ब्राह्मण थे। तो इस अभिलेख की हम पूरी चर्चा करेंगे। यह अभिलेख था 1170 ईस्वी का। यह अभिलेख है कहां पर? तो बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा में। इस अभिलेख को उत्कीर्ण किस शासक के समय करवाया गया था? तो उस शासक का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के समय यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था। जो चौहान वंश के शासक पढ़ेंगे, उनमें पहला शासक होगा वासुदेव, दूसरा शासक पढ़ेंगे गुवक फर्स्ट, इसके बाद में एक शासक का नाम है सिंहराज, या इसी का दूसरा नाम था सिद्धराज, इसके बाद में एक जो शासक आएगा उसका नाम है चंदनराज, चंदनराज के बाद में आएगा वाकपति राज, और वाकपति राज का जो उत्तराधिकारी था वो था विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड का जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय का जो उत्तराधिकारी है उसका नाम है पृथ्वीराज फर्स्ट। ऊपर कर गए सारे, और भी है। पृथ्वीराज फर्स्ट का जो उत्तराधिकारी बना उसका नाम था अजयराज। अजमेर में आ गए अब। दूसरा जो था वो अर्णोराज, और अर्णोराज का जो उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था पृथ्वीराज सेकंड, और पृथ्वीराज सेकंड का जो उत्तराधिकारी बना था उसका नाम था सोमेश्वर चौहान। तो बस इतने एक शासक है, गुवक वासुदेव, गुवक सिद्धराज, चंदनराज, वाकपति राज, विग्रहराज, गोविंद राज, पृथ्वीराज, ये सारे राज कर रहे थे सांबर में। सांबर जयपुर में पड़ता है, साकंबरी सपाद लक्ष के नाम से जानते हैं। ये सारे जो शासक है ये अजमेर में। तो हम सांबर के चौहान पढ़ेंगे, अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, और जालौर और रणथंबोर, और इसी जालौर के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र था सिवाना, यहाँ तक के चौहान हमें पढ़ने। कोटा बूंदी बारा वाले आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन इनकी जो बात है वो यहाँ तक की बात मैंने इसलिए लिखी है कि इस अभिलेख में सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण करवाया गया, तो चौहानों की वंशावली मिलती है। अब वंशावली अगर चौहानों की मिलती है तो कहां से कहां तक की वंशावली है? वासुदेव से लेकर सोमेश्वर चौहान तक। अब सबके नाम लिखेंगे तो थोड़ी बड़ी बात होगी। चौहानों का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, अंतिम हिंदू सम्राट अगर मैं बोलूं, वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये बाद में बना था 1177 में। अभिलेख कब उत्कीर्ण किया? तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर अजमेर के सभी चौहान और सांबर के सभी चौहान शासकों की वंशावली कौन से अभिलेख में मिलती है? बात समझ में आ गई? एक को छोड़ देंगे, कौन से को छोड़ना है? चौहान तृतीय को छोड़कर अजमेर के सभी चौहान शासकों की वंशावली मिलती है। इस अभिलेख के लेखक कौन थे? तो लेखक थे गुणभद्र। लेखक कौन थे? गुणभद्र। गुणभद्र ने लिख कर दिया, लेकिन एक आदमी ने पत्थर पर खुदाई की, और पत्थर पर खुदाई करने वाले आदमी को बोलते थे स्वर्णकार, और वो जो स्वर्णकार था वो था इसका गोविंद। अब एक तो लिख कर दे रहा, एक शासक के समय उत्कीर्ण है, शासक कौन है? सोमेश्वर चौहान। लेखक कौन थे?
ये नाम याद रहे चाहे न रहे, ये याद रखना है। कौन सा? गुणभद्र। इसकी भाषा कौन सी थी? भाषा संस्कृत थी। इसमें कुछ कोई 13 दोहे थे। टोटल कितने पद लिखे हुए थे? 13 पद लिखे हुए थे। इसमें यह कहा गया है कि चौहान वंश के जो शासक थे वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मण तो बताए थे पहले, लेकिन चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन से अभिलेख में बताया गया? बिजोलिया। अनलिमिटेड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताने वाला अभिलेख कौन सा? बिजोलिया अभिलेख था। इसी अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि वासुदेव ने 550-51 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माता कौन? वासुदेव। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? भैया के नाम बताओ है, कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? दूसरा प्रश्न सुनना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील उड़ीसा में महानदी के किनारे, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है। तीन जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से तीन जिले? जयपुर, नागौर, अजमेर में। तो सांबर झील का निर्माता कौन था? इसकी जानकारी इसी में मिलती है। ये एक शासक का नाम लिखा है विग्रहराज चतुर्थ। ये शासक दिल्ली पर अधिकार कर लेता है तो बहुत बड़ी बात थी। कल उसकी बात भी पढ़ी थी हमने, नागबटके से, सॉरी अच्छा आपको नहीं पढ़ा, दूसरी क्लास में थी, को जेतर सिंह की बात थी। जेतर सिंह ने भी दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, एक बार इल्तुतमिश को हरा दिया था। ये दिल्ली में इसके समय राज था तोमर वंश का, और तोमर वंश का जो शासक था उसका नाम था तंवरपाल। तोमर वंश के शासक तंवरपाल को पराजित कर विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर आधिपत्य कर लिया था, जिसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? अभी शायद यूपीएससी की कोई एग्जाम थी, यूपीपीएस उत्तर प्रदेश की, उसमें यही प्रश्न पूछा था कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला भारत का शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? बिजोलिया अभिलेख में। तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवरपाल को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, इस बात का उल्लेख भी कौन से अभिलेख में? बिजोलिया अभिलेख में। सोमेश्वर चौहान के समय थोड़ी जमीन दी गई थी पार्श्वनाथ, यानी ये चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा में जो बना हुआ ना बिजोलिया अभिलेख, इसके पास थोड़ी जगह दी गई जैनियों को, और जैनियों ने वहां एक मंदिर बनवाया था, पार्श्वनाथ मंदिर। और ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है, इसके पास जब ये अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया, इस समय यहाँ एक जैन मुनि था जिसका नाम था जैन श्रावक लोलाक, इसके समय उत्कीर्ण हुआ था इस मंदिर पर। तो बिजोलिया अभिलेख किस मंदिर के पास उत्कीर्ण था? पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ मंदिर की जमीन किसने दान में दी? तो सोमेश्वर चौहान ने जमीन दान में दिया, तो लिखवाएगा अगला। इसने इस अभिलेख में लिखवाया डोहली। डोहली का मतलब होता है मंदिर के लिए भूमि का अनुदान करना या भूदान करना, क्या कहलाता है? डोहली। अब एक शब्दावली दे देंगे कि राजस्थान में मंदिर के लिए भूमि अनुदान करने की प्रथा को क्या कहते थे? डोहली। और भूमि अनुदान की किसने थी? कौन से मंदिर के लिए? पार्श्वनाथ का पता ही है। जैन धर्म का कौन सा अनुयायी था? 23वां। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, 23वां तीर्थकर कौन था? और एसएसटी वाले सुन ले, पार्श्वनाथ का जन्म 850 ईसा पूर्व काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ। ऊपर कर गया, दोबारा सुनो, पार्श्वनाथ का जन्म 850 ईसा पूर्व काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था। तो पार्श्वनाथ जी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? अपने अधीनस्थ बोर्ड ने एक प्रश्न बनाया शानदार, और प्रश्न यह था कि पार्श्वनाथ के जन्म के कितने वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ? बताओ, मैथ साइंस वाले बैठे हैं ना,
धारा, लेकिन 250 आता होगा, 251 आवे कताई 251 साल बाद। ये पर्सन एक बार अधीनस्थ बोर्ड ने बनाकर पूछा, घटेंगे ये, ईसा पूर्व है ना इसलिए घटाया जाएगा इनको, 251 साल का अंतर है, लेकिन ऑप्शन में यही था लगभग 250 वर्ष बाद। ये 2015 के एग्जाम का प्रश्न था, फर्स्ट ग्रेड का, जो एग्जाम जुलाई 2016 में हुई थी। उसके बाद जितनी भी बुक है सब बुकों में ऐसे लिखा हुआ है, पार्श्वनाथ के जन्म के 250 साल पहले महावीर स्वामी का जन्म हुआ, उससे पहले कोई किताब में नहीं था, मैंने भी रट लिया इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, तो अब अपने घर वाले बोलते हैं कि अब सदा का प्रश्न आओ थारू ऐ सही को नहीं आओ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आओ, मन कौन समझावे निबंधात्मक आवे। जिनको दोनों का जन्म याद है वही तो निकाल सकता है, तो प्रश्न निबंधात्मक आते हैं पूरी तरह से। और ऐसे जो अपने अब नई विधि के जो प्रश्न आ रहे हैं ना, ऑप्शनों भी पहले चार ही थे, आजकल 5-6 कोई मतलब ही नहीं, 5 ऑप्शन दे दिया, फिर पूछेगा कौन सा सही नहीं है, जगह मैं सा मात खावा। तो इसमें प्रश्न पूछ ले, बिजोलिया अभिलेख के बारे में असत्य कथन को छांटिए, तो ध्यान रखना पूरा, सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण किया गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर। अब यहां एक अच्छा प्रश्न बनता है, बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान शासक की वंशावली नहीं मिलती, पृथ्वीराज चौहान की, बाकी सबकी मिलती है। किस अभिलेख के अनुसार वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया, इस बात का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है, कौन से अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया, बिजोलिया। डोहली क्या होती है, मंदिरों के लिए दी गई भूमि दान क्या कहलाती है, डोहली। एक जैन ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम है उत्तम शिखर पुराण, और ये उत्तम शिखर पुराण जो ग्रंथ है ये इसका लेखक था सिद्धसेन, सिद्धसेन का ये ग्रंथ है उत्तम शिखर पुराण, इसको भी इस मंदिर के पास पूरी किताब को ही लिखवा दिया, कौन से ग्रंथ को, उत्तम शिखर पुराण। तो गहराई का अगर कोई प्रश्न पूछे तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि जैन धर्म के किस ग्रंथ का पूरा विवरण बिजोलिया अभिलेख के पास मिलता है, उत्तम शिखर पुराण, कौन से धर्म का ग्रंथ था, जैन धर्म का, सिद्ध सैन सूरी, जगह भी लेखक का अगर सूरी लगा हुआ है समझ लीजिए जैन, कोई लेखक आए जिसके आगे सूरी लगा हुआ है, जैसे जय सिंह सूरी ने एक ग्रंथ लिखा हमीर मद मर्दन, सूरी का मतलब जैन है, पर अब आप ये बोल दो कि शेरशाह सूरी कौन सा जैन था, तो शेरशाह सूरी था ही नहीं, वो सूर वंश का था, अपने वालों ने नाम बिगाड़ने में पहले अग्रणी थे, सूरी का सूर का क्या कर दिया, सूरी, बोले सूर बुरो लागे शेरशाह सूरी करो, वरना सही नाम शेरशाह सूरी था क्योंकि वो सूर वंश का था। तो इसी का ग्रंथ है सिद्धसेन सूरी का उत्तम शिखर पुराण। इसी अभिलेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। अब मैं अगर प्रश्न पूछे कौन से अभिलेख में राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, तो प्राचीन नाम कौन कौन से शहरों के, मैं इधर शहर का नाम लिख रहा हूं, इधर प्राचीन नाम। एक शहर का नाम है सबसे पहले संपाद लक्ष, सॉरी पूरा शहर का नाम है सांबर, सांबर का प्राचीन नाम क्या था, संपाद लक्ष, कौन से अभिलेख में मिलता है, अपने एक नाम पढ़ा था बीनमाल, जालौर में इसका प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल। खुद बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, विजयावली, बिजोलिया का प्राचीन नाम कौन सा था, विजयावली। और बिजोलिया जो क्षेत्र है इसको पहले कहते थे ऊपरमाल का पठार, उदयपुर और राजसमंद के बीच में होगा कोई पठारी भाग, ऊपरमाल का पठार बोलते हैं, उस ऊपरमाल का भी नाम है उत्तमाद्री, ऊपरमाल का नाम क्या था, उत्तमाद्री। ये नाम भी कौन से अभिलेख में मिलता है, तो बिजोलिया का खुद का नाम कौन सा, विजयावली, ऊपरमाल का नाम कौन सा, उत्तमाद्री। अपने हाल ही में 21 में जो आरएस की एग्जाम लगी थी उसमें प्रश्न पूछा था प्राचीन नाम सिहाड़, नाथ द्वारा, सही बात भी है सिहाड़ी था, और राज सिंह के समय औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाने का काम शुरू किया, तो राज सिंह के पास घुसाई जाति के महंत मूर्ति लेकर आए और कहा महाराज इन मूर्तियों को बचाओ, हम इनकी पूजा करते हैं। उनमें श्रीनाथ जी की मूर्ति थी,
भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप होता है उसको नाथ बोलते हैं। तो श्री नाथ की मूर्ति थी, राज सिंह ने कहा इधर लेकर आओ मूर्ति को, इस जगह मंदिर बनवा दिया श्री नाथ जी का मंदिर। और फिर श्रीनाथ जी वाले मंदिर के नाम से सियाड़ को क्या बोलने लगे, नाथ द्वारा। नाथ जी का मंदिर नाम क्या पड़ गया, नाथ द्वारा। तो इनमें कोई प्राचीन नाम पूछ ले, जालोर का प्राचीन नाम इसमें लिखा हुआ है, जालोर का प्राचीन नाम क्या था, जाबालीपुरे। जालोर के खूब सारे नाम है, राजस्थान की सुवर्ण नगरी, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी, जाबालीपुरे। अलाउद्दीन ने नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। तो जालोर के खूब सारे नाम है, जालोर चर्चा में अभी हाल ही में, खूब सारा चर्चा में। उस आदमी की घटना को देखकर, उस गुरुजी की घटना को देखकर कई बार ऐसे मन में आता है पढ़ाना छोड़ दे तो ठीक है, इससे अच्छा तो ट्रैक्टर की ड्राइवरी कर ले। कोई यह तो न पूछे आप भी टीचर ही हो गया, हकीकत में घिनौनी हरकत थी। इससे अच्छा तो मटका फोड़ देता और ले आता। इधर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ अस्पृश्यता का अंत, और उधर अपने घटनाएं कर रहे हैं। फिर कई बार ड्राइवरों की घटना पड़ती है तो ठीक है, अपर ले अपने वाला ही ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं घटना तो है ही ना। तो जालोर चर्चा में अभी भी। जालोर का नाम क्या मिला, जाबालीपुर। नागौर का प्राचीन नाम क्या था, ऐ छतरपुर। चौहानों की पहली राजधानी भी कौन सी थी, ऐ छतरपुर। ये सारे के सारे काम कौन से अभिलेख के, ये भी चौहान वंश की जानकारी का स्रोत है। तो हमने 8-10 जो बुक लिखी थी उन बुकों के साथ एक अभिलेख ये है, एक अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ का था जो अजमेर में राजपुताना म्यूजियम के पास मिला था। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख ये अजमेर में था, राजपुताना म्यूजियम वहां से प्राप्त हुआ है। और इसमें भी थोड़ी सी ऐसी जानकारी लिखी है कि चौहान सूर्यवंशी थे, चौहान मालववंशी थे, चौहान इक्ष्वाकुवंशी थे, चौहान कुश के वंशज थे, ऐसे 4 नाम उसमें भी दे रखे। तो ये जानकारी का स्रोत है कौन सा अभिलेख, एक दो नाम पल्ले पड़े की छापो, मिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख बोतल दियो, देश लगा के लिख लो 1170 ईस्वी। हाँ किताब अगर पेपर में गुणेतर 70 मिक्स में देना तो गुणेतर 70 वाला टिक लगाना, 71 मत करना। तो 1170 ईस्वी का वैसे मूलत है। दूसरा लिखना, पहला पॉइंट लगा कर, ये भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा में स्थित है, फिर लिखना सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण करवाया गया था। मैं भाषा में इसलिए लिखा रहा हूं कि अगर 5-10 दिन न पढ़ने के बाद पढ़े तो भी समझ में आ जाए। सोमेश्वर चौहान के समय उत्कीर्ण करवाया गया था, अगला पॉइंट लिखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर अजमेर के सभी चौहान शासकों की, अजमेर के सभी चौहान शासकों की व सांबर के चौहानों की जानकारी, व सांबर के चौहानों की वंशावली, ऐसे लिखना व सांबर के चौहानों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। सांबर के चौहानों की वंशावली का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट लिखना है लेखक, इस अभिलेख के लेखक कौन थे, गुणभद्र।
याद रखना ए होल अभिलेख के लेखक कौन थे? ए होल अभिलेख के रवि कीर्ति गटियाला अभिलेख के लेखक कौन थे? मगे। और गटियाला अभिलेख किस शासक के समय उत्कीर्ण? कुक। क्या नाम था? कुक। ए होल अभिलेख किस शासक के समय उत्कीर्ण? पुलकेशिन सेकंड। तो एक बात पढ़ो उसके साथ थोड़े दिमाग में घोड़े दौड़ाया करो कि पीछे भी अभिलेखों के नाम लिखाए थे, है तो अभिलेख ही, उनमें कौन कौन सा था। अगर आप बार बार इनका रिवीजन करते रहोगे तब तो आराम से याद हो जाएगा, वरना मैंने बताया था हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सफा, तो ये कहानी होती रहेगी अगर दो चार दिन छोड़ दिया साफ। तो इसके लेखक कौन थे? गुणभद्र। ये खुदाई करने वाला यानी पत्थर पर खुदाई करने वाला जो था ना उसको स्वर्णकार बोलते थे। तो लिखना स्वर्णकार, कोष्टक में ऐसे लिख लो पत्थर पर खुदाई करने वाला। गोविंद, गोविंद। फिर लिखना बासा, भाषा संस्कृत। और नोट लगाकर लिखना, एग्जाम में आने वाला है। एग्जाम में भी नहीं आएगा तो किस में आएगा? रट जाओ। या अभिलेख में बिजोलिया अभिलेख में चौहान वंश के शासकों को बिजोलिया अभिलेख में चौहान वंश के शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके दोनों तरफ इनवाइटेड कोमा करके अंडरलाइन कर लेना। चौहान वंश के शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अगला पॉइंट लिखना, वासुदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया था। अब इसी अभिलेख में लिख रहे हैं हम, तो इसी अभिलेख में सारी चर्चा है। अगला पॉइंट लिखना, विग्रह राज चतुर्थ ने, विग्रह राज चतुर्थ और कौन सा नाम था इसका? बिसल देव। विग्रह राज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमरवंशीय शासक, दिल्ली के तोमरवंशीय शासक दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवरपाल को पराजित कर अधिकार कर लिया था। कहां पर अधिकार कर लिया था? दिल्ली पर। अब मैं इसके आगे ऐसे नहीं लिखाऊंगा जिसकी जानकारी बिजोलिया अभिलेख में मिलती है, क्योंकि सारी चीजें कहां पर लिख रहे हैं? बिजोलिया अभिलेख में। अगला पॉइंट लिखना, डोहली शब्द लिखना, डोहली। डोहली डैश लगा के लिखना, मंदिर के लिए, मंदिर के लिए क्या कहलाता था? डोहली कहलाता था। और भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। किसका अनुयायी था विनोबा भावे? किसका अनुयायी था?
किसका अनुयायी था? गांधी का। भूदान आंदोलन कहां से चलाया? कोई भी चीज पढ़ाओ उसकी पूरी डिटेल पढ़ा करो। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से, कहां से चलाया था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। वहां एक किसान का नाम था रामचंद्र रेड्डी, उसने सबसे पहले अपनी जमीन दान दी थी। जिनके पास जमीन नहीं थी उन किसानों को, भूमिहीन किसानों को भूमि दान दी। नाम चला गांव में थी, उसने अपना पूरा गांव दान कर दिया, ग्राम दान। तो दोनों नाम आते भूदान ग्राम दान। आंदोलन का जनक कौन था? विनोबा भावे। गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था 17 अक्टूबर 1940 को। रेट एग्जाम में प्रश्न आया था कौन सा, वो एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई गई थी? 16 अगस्त 1946 को प्रश्न आया था ना। हाँ, तो 17 अक्टूबर 1940 भी महत्वपूर्ण है, आगे एग्जामों में मिलेगा। ठीक है, लिखा है इनका नाम डोहली, भूमि अनुदान करने की बात। अगला पॉइंट लिखना, यह अभिलेख, यह अभिलेख पार्श्वनाथ के मंदिर के समीप मिला है। यह अभिलेख पार्श्वनाथ के मंदिर के समीप मिला है। जो जैन श्रावक लोलाक की स्मृति में, जो जैन श्रावक लोलाक की स्मृति में निर्मित करवाया गया था। यह भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। पार्श्वनाथ का मंदिर किसको समर्पित है? जैन श्रावक लोलाक को समर्पित है। इसी मंदिर के पास कौन सा अभिलेख मिला? बिजौलिया अभिलेख। अगला पॉइंट लिखना, जैन ग्रंथ उत्तम शिखर पुराण, जैन ग्रंथ उत्तम शिखर पुराण, जैन ग्रंथ उत्तम शिखर पुराण के लेखक सिद्धसेन सूरी थे। जैन ग्रंथ उत्तम शिखर पुराण के लेखक सिद्धसेन सूरी थे। इस ग्रंथ को पार्श्वनाथ मंदिर के समीप उत्कीर्ण करवाया गया था। पूरी की पूरी किताब ही छपवा दी। पार्श्वनाथ मंदिर के समीप उत्कीर्ण करवाया गया था। अगला पॉइंट लिखना, इस अभिलेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे एक तरफ लिखना शहर का नाम और एक तरफ लिखना प्राचीन नाम। सबसे पहले मैं बिजौलिया का ही लिख रहा हूं। बिजौलिया का प्राचीन नाम क्या था? विद्यावल्ली। फिर बिजौलिया का, जो पहले बिजौलिया को बोलते थे, ऊपरमाल का पठार, और ऊपरमाल का नाम क्या मिलता है? उत्तमाद्री। फिर इनका जो क्षेत्र था वो सांबर था। सांबर का नाम क्या मिलता है? सपाद लक्ष। फिर इनका क्षेत्र जालोर था। जालोर का नाम मिलता है जाबालीपुर।
चौहानों का अधिकार बीनमाल में भी था। बीनमाल का नाम मिलता है, इनकी राजधानी नागौर थी, नागौर का नाम मिलता अही छतरपुर। लिख लिया विग्रहराज चतुर्थ वाला अभिलेख है, उसकी बस एक लाइन लिखनी है कि कहां से प्राप्त हुआ, एक उसका नाम लिखना है केवल। तो अभी तक जानकारी के स्रोत ही लिख रहे हैं हम, और वैसे चौहानों की जानकारी के स्रोत मूलतः अग्निकुंड है जहां से इनकी उत्पत्ति हुई, और बाकी हमने 5-10 किताब लिखी थी उन किताबों में जानकारी मिलती है, और एक अभिलेख में कौन से में बिजौलिया में। एक दूसरा अभिलेख और है, उसका नाम ऐसे लिखना है विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, चतुर्थ का अभिलेख। कहां से प्राप्त हुआ? अजमेर से, और अजमेर में भी जगह का नाम है राजपुताना म्यूजियम। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख देश लगा के लिखना, राजपुताना म्यूजियम अजमेर से प्राप्त हुआ है। राजपुताना म्यूजियम अजमेर से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में देखना चौहानों को चार नाम दिए गए, एक तो कहा गया चौहान सूर्यवंशी थे, ठीक है, एक कहा गया कि चौहान इक्ष्वाकु वंश के थे, एक कहा गया कि चौहान कुश के वंशज थे, और एक कहा गया कि चौहानों की उत्पत्ति मालव से हुई थी। अपने राजस्थान में एक जनपद था मालव जनपद, एक जनपद था सीवी जनपद, एक जनपद था सूरसेन जनपद, ये राजस्थान के जनपद है। 10वीं क्लास वाली किताब पढ़ना समाज विज्ञान की, कभी टाइम मिले तो उसमें शायद तक आपको दूसरे या तीसरे पाठ ऐसे प्रश्न पलटोगे ना तो उसमें साफ शब्दों में नाम मिलेंगे राजस्थान के प्रमुख जनपद, पहले पाठ में है, दूसरा या तीसरा ही प्रश्न है उसमें दे रखा मालव जनपद, योदय जनपद, शिवी जनपद, सूरसेन जनपद राजस्थान में थे। और ये बात मैंने पहले बताई होगी आपको कि ऋग्वेदिक काल में जन हुआ था, उत्तर वैदिक काल में जनपद हुआ था, और 6 शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद हुए थे। तो जन ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन सी? अस्थाई कबीला था। इस समय लोग स्थाई नहीं रहते थे, हमें पहले 10वीं में कभी नाम पढ़ा होगा स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन प्रणाली, ज्योग्राफी का मामला है। तो जो लोग वहां स्थाई नहीं रहते थे, दूसरी जगह चले जाते थे, वहां के पेड़ जो फल पेड़ पौधे थे उनको जला देते थे, कर्तन यानी काटना, दहन यानी जलाना, खेती करते थे। उस खेती को कहीं पर झूम कृषि बोलते थे, आया के नाम झूमिंग कृषि, झूम कृषि, तो वो प्रक्रिया थी। ये अस्थाई लोग थे, ये करते थे वो काम। फिर जनपद स्थाई कबीला हुआ, और महाजनपद का नाम सुनाई है 600 से लेकर 375 ईस्वी तक लगभग महाजनपद 16 महाजनपद थे। इन जनपदों में एक जनपद था मालव, और इस मालव जनपद का मूल केंद्र था पंजाब, और पंजाब से ये लोग आगे बढ़े, ये मध्य प्रदेश आए, और मध्य प्रदेश में इन्होंने एक स्थान बसा दिया अपने नाम पर मालवा। तो मालवा कहां पर है? पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक हमेशा मालवा आता ही रहेगा, और मैं हमेशा पूछूंगा मालवा कहां पर है। मालवा में गांधी सागर बांध बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ, क्या चंबल उधर से निकलती होगी, एकमात्र नदी जो उत्तर में बहती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जाकर यमुना में मिलती है, यमुना अपना पानी गंगा में मिलाता है, और गंगा यमुना और चंबल का पानी लेकर ऊपर से आने वाली नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, फिर पूरा पानी ले जाकर बंगाल की खाड़ी में डालते हैं, यही होगी, ऐसी है ना, थन भी बेरा ना। अच्छा कोई बात नहीं, पता खैर ज्योग्राफी का मामला मुझे नहीं आता, ये सुनो। तो मालव जनपद जो था
ये बाद में हमारे इतिहासकार कहते हैं कि मालवा बसाने के बाद ये खत्म हो गए। कौन? मालव। विग्रहराज चतुर्थ कहता ना, गलत बात है, ये मालव थे, इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। कौन है? चहमान। ये अगर प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया 99% गलत होने की संभावना होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर परीक्षा में ऐसे दे दे कि विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति का स्रोत नहीं है, तो चारों ही है। चौहान सूर्यवंशी है, चौहान भगवान राम के वंश, इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु की जगह ये भी दे देंगे रघुवंशी। बताया था मैंने इक्ष्वाकु वंश का मूल केंद्र कौन सा था? अयोध्या। अभी राम मंदिर बन रहा है, बाबर आया था, बाबर के सेनापति का नाम मीर बाकी था, उसने राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवा दी। सन 1992 में कार सेवक थे, कार सेवक यहाँ काम करने के लिए 2002 तक रहे, मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करता था गुजरात का, कार सेवकों की बोगी जला दी गई थी ट्रेन की, मोदी ने अनुमति दे दी कि किसने मारा, मुसलमानों ने कहा एक दिन की छुट्टी है, पता है गोधरा हत्याकांड। तो उसके बाद अब जाकर कोई वहां मंदिर बन रहा है, कौन सा? राम मंदिर। तो पहले वास्तविक रूप से वहां राम मंदिर ही था। तो भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या इक्ष्वाकु वंश का था, इस वंश का एक राजा हुआ रघु, और रघु होने के कारण क्या बोलते हैं, रघुवंश रीत सदा चली आई, प्राण जाए परे, इसलिए रघुवंशी भी दे दे तो कोई दुख की बात नहीं है। कुश के वंशज, भगवान कुश का मूल केंद्र था कर्णोज, कर्णोज कुश का वंशज था, कुश का बचपन का नाम था महोदया, कर्णोज का नाम भी कौन सा था? महोदया नगर। और मालव जनपद, यहां एक जाति थी कौन सी? मालव। चार नाम लिखने, लिखो कौन सा बताऊं? थर्टी स्पीड है, मैं अति जोर से रट के आऊं थे, पूछ नहीं लोग। देखो भगवान राम सूर्य वंश का था, इसलिए कहते हैं कि चौहान भी किस वंश के थे? सूर्य वंश के। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश का था, इक्ष्वाकु वंश अयोध्या में था, अयोध्या में इस वंश का राजा हुआ रघु, इसलिए कहते हैं रघुवंशी। भगवान राम के पुत्र का नाम कुश था, इसलिए कुछ इतिहास ये इसी अभिलेख में कहते हैं कि कुश के वंशज थे। इसी अभिलेख में ये कहते हैं कि मालव एक जनजाति थी जिन्होंने जनपद बसाया था, मालव जनपद। मालव जनपद का एक शहर है मालवा, मालवा मध्य प्रदेश में, इसलिए ये कहते इतिहासकार कि मालव खत्म हो गए थे। विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि ना, एक वंश पूरा ऐसे खत्म थोड़ी हो सकता है, इसी से उत्पन्न हुआ चयमान। हालांकि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से पड़ी थी, तो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख कहता है कि मालवों से उत्पन्न कौन है? चयमान। आज अपना जो दक्षिण पूर्वी इलाका है उसको हम बोलते हैं मालव क्षेत्र, ये अपने बांसवाड़ा सॉरी झालावाड़ कोटा बूंदी, इधर मालवी भाषा बोली जाती है, और मध्य प्रदेश का मालवा इलाका लगता है। तो यह कहता है चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? मालव से। पल्ले पड़गी, लिखो। विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख, मैं आज खुद सोच के आयो कि आज कोई अहिया को निखेगो कि इतने जल्दी बोलो, अति कंट्रोल कर रखे, पच भी जल्दी बोल लेगे। लिखो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, राज बताना। आप तो इतने इतने बड़े हो, मैं कह रहा हूं कि मैं आठवीं सातवीं के बच्चों को इतना रटवा दिया था कि एक सांस में याद करना है, और वो एक सांस में याद करते। वहां मकान था, उस मकान में वो गेट जो है ना, गेट वो अपने घरों में पहले पुराने गेट है, उनकी ऐसे लाइन थी, ऐसे लाइन थी, मैंने गेट के ऊपर लिख दिया ए तो ही देशांतर ए अक्षांश। टाबर चालता कॉपी में कहता ए अक्षांतर ए देशांतर, ऐ रट रहा क्या, बाकी सामाजिक में सौ सौ आया थे कदे का बढ़ाई करे मन बेरा एक ना, सामाजिक विज्ञान में सौ महसूस सौ मुश्किल काम है ना, आनो कहीं आया सेक का नहीं, एक दो का आया सेक का आया कि नहीं, बात करे लिखो। अच्छा ते बोली झूठ बुलवा रहे अमेरिकन अति को बोली जा। पॉलिटिकल साइंस में 100 में से 98 नंबर है, दो के आए थे 24 में से, पर पॉलिटिकल में भी 98 नंबर, मैं पॉलिटिकली पढ़ाता था पहले, तो पॉलिटिकल में 98 नंबर थे, और सामाजिक विज्ञान में 100 में से 100 नंबर थे। लिखो हिस्ट्री तो मैं अब पढ़ने लिखा हूँ, कोचिंग में मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, अपने चारों पेपर आए, चार पेपर लगे थे, अभी चार शिफ्ट हुई थी,
उनमें स्त्री के जितने भी प्रश्न आए हैं वो आप इधर एलडीसी के बच्चे हैं, शायद एक ही बैच में अभी मैंने कोर्स पूरा करवाया है यहाँ पर, उस एलडीसी वाले बच्चे का कभी रजिस्टर लेकर आप प्रश्न मिला लेना, शायद कुल मिलाकर अपने 72% थे या इतने थे चारों पेपरों में, उनमें से 79% है वो रजिस्टर में से है। अब भी विश्वास नहीं है तो कोई इलाज नहीं है, लिखो बिना मतलब ताली बजाओगा अगला जन्म में घर घर जार बजाओगा, लिखो मारो जनता से बिजौलिया भी लिख, इसमें लिखना अगला पॉइंट लिखो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख, पहला पॉइंट लिखना इस अभिलेख में चौहानों को, इस अभिलेख में चौहानों को बिल्कुल ही नहीं बजानी है तो, इस अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी कोमा, इस अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी कोमा इक्ष्वाकुवंशी कुश व मालव के वंशज, मालव जनजाति के कुश व मालव जनजाति के कोष्ठक में लिखना मालवा, मालवा द्वारा कौन से शहर बसाया गया था मालवा, मालव जनजाति के वंशज माने जाते हैं। ये केवल जानकारी के स्रोत स्रोत थे, आगे हम दो स्रोत और भी लिखेंगे, एक कोई हाशिया अभिलेख लिखेंगे उसमें चंद्रवंशी बताया गया, वो पृथ्वीराज सेकंड का ही नाम लिखा हुआ है क्या, उस पृथ्वीराज सेकंड के साथ ही पढ़ लेंगे। पहला शासक कौन है, वासुदेव चौहान, तो हम वासुदेव चौहान की बात करेंगे सबसे पहले। ये संस्थापक था गुजर प्रतिहार वंश का, संस्थापक कौन था गुजर प्रतिहार वंश का, मैं हमेशा पूछूंगा ये बात, जो पीछे पढ़ाई हुई है वो हमेशा एक दो दिन से आती रहेगी तो कुछ न कुछ तो याद होगा, तो नाम है वासुदेव चौहान। देखो उसमें जो बात लिखी थी ना उन्होंने, उन्हीं बातों के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, उसमें पहला नाम लिखा था चौहान वंश का संस्थापक है, उसमें लिखा था गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक था, फिर उसमें मैंने दूसरी लाइन लिखी थी 510 ईस्वी में मंडोर में स्थापना की, इसमें लिख रहा हूं 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण करवाया, जिसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है बिजौलिया अभिलेख में। पहले आदमी को बोलते हैं आदि पुरुष या मूल पुरुष थे, उनकी राजधानी मंडोर थी, इनकी प्रथम राजधानी जो थी वो कौन सी थी अई छतरपुर, ये बात नाम थोड़ी डाल लिया आपने, डाल लिया तो इसके नीचे दो तीन बात पहले और भी लिखनी है, क्योंकि वो जो मूल क्षेत्र का नाम नहीं लिखा है, हमने उसमें एक लाइन लिखी थी कि गुजर प्रतिहारों का मूल केंद्र मंडोर था, लिखा था ना, इसमें अभी मैंने लिखाया नहीं, वापस काट दो, ते तो सारे दिन काटा पीटी करो मत आज कटवाए, लिखो नीचे पहले पॉइंट लिखो चौहानों का, चौहान वंश का मूल केंद्र, चौहान वंश का मूल केंद्र सांबर साकंबरी चौहान वंश का मूल केंद्र सांबर साकंबरी या सपाद लक्ष था, अब ध्यान देना इस सांबर, यहां एक मंदिर माता का मंदिर है साकंबरी माता का, इसलिए सांबर को साकंबरी बोलते हैं, सपाद लक्ष नाम क्यों पड़ा, सपाद का मतलब होता है सवा, लक्ष का मतलब होता है लाख, सांबर क्षेत्र में 125,000 गांवों का समूह था इसलिए नाम पड़ा सपाद लक्ष। और पिछली बार 26 सितंबर को जब रीट माता वाला मेला लगा था ना उसमें प्रश्न आया था कि संस्कृत में, वो एक ही आओ मन तो 4:15 को संस्कृत में लिखिए, अब मेरा रटेड हो कि सपाद को मतलब सवा हुआ है, तो भीम 6 को ऑप्शन हो भीम दे रहा है सपाद चतवारे के चार ने के बोले जो भी हो कोई विसर्ग व्यासर के लाग रहा, पर अब तो मन ध्यान हो कि सवा ने के बोले ई नाम वो प्रश्न एक सही हुआ है, ठीक है, तो सपाद का मतलब सवा और लक्ष का मतलब लाख, 125,000 गांवों का समूह था, नाम क्या पड़ गया सपाद लक्ष, तो नीचे वाली लाइन में लिखना
सांबर क्षेत्र में सवा लाख गांवों का समूह होने के कारण इसे सपाद लक्स के नाम से जाना जाता था। अब सुनना, इन चौहानों का जो इष्ट देव था ना, वो अपने हर्षनाथ पर्वत पर मंदिर बना हुआ, हर्षनाथ मंदिर। हर्ष और जीण दो भाई बहन थे, चूरू जिले के कोई धंधु गांव के रहने वाले थे। उनके बीच में उनकी हर्ष की कोई शादी हो जाती है, कोई बात को लेकर अनबन हुई, दोनों भाई बहन इधर आ गए। उस हर्ष के मंदिर का निर्माण चौहानों के गुवक फेस्ट ने करवाया। तो ये बात तय है कि चौहानों का सीकर से लेना देना था। तो इतिहासकारों ने लिखा है कि चौहानों का जो क्षेत्र था वो अनंत प्रदेश से लेकर पुष्कर तक था। कहां से कहां तक? अनंत प्रदेश। तो अनंत प्रदेश किस क्षेत्र को कहते थे? सीकर को। क्योंकि सीकर में जो हर्षनाथ है, ये चौहानों का कौन सा देव था? इष्ट देव था। और ये मंदिर भी किसने बनवाया था? चौहानों ने बनवाया था, गुवक फेस्ट ने बनवाया। इसका कोई सामंत था हट्टड़, उसने इसमें योगदान दिया था, पूरा पैसे लगाने का काम गुवक ने किया था। तो अगर पूछे कि चौहानों का केंद्र कहां से कहां तक था, अनंत प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर तक था। पुष्कर कहां पर पड़ता है? अजमेर में। इसके बीच में जो क्षेत्र है वो आता है नागौर, तेजाजी की जन्म स्थली। कौन सा स्थल है? नागौर। नागौर में तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ? खड़नाल में। और तेजाजी के मंदिर के एक बार फेरी देने के लिए अपने राजनीति के आदमी आए, तेजाजी का मंदिर बना हुआ था, उसके फेरे देने के लिए अपने राहुल गांधी जी आए थे। अब राहुल गांधी जी को पता तो था नहीं, उल्टी लेने लग गया, पकड़ बोले अहिया दे तेजाजी के। वो स्थल कौन सा? नागौर। इस नागौर जो क्षेत्र है इसको पहले क्या बोलते थे? अही छतरपुर। तो अही छतरपुर इनकी राजधानी हुआ करती थी, मध्य में इनकी क्या थी? राजधानी। तो चौहानों की जो प्रथम राजधानी है वो कौन सी है? अही छतरपुर। तो चौहानों की पहली राजधानी अही छतरपुर है। बाद में सांबर में ही रहे, इसलिए राजधानी बना ली सांबर। बाद में अजमेर गए तो राजधानी बना ली किसको? अजमेर को। तो तीन राजधानी हो गई। कोई कर्म पूछे तो पहली राजधानी कौन सी, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी? अजमेर इनकी राजधानी थी। तो ये मध्य का क्षेत्र था, इसलिए राजधानी कौन सी? अही छतरपुर, नागौर का प्राचीन नाम। अगर महाभारत काल की बात पढ़े तो इधर अपने नागौर से आगे जो बीकानेर जैसलमेर वाला इलाका है इसको बोलते थे जंगल प्रदेश। और जंगल प्रदेश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अही छतरपुर। तो चौहानों की भी पहली राजधानी कौन सी? अही छतरपुर। यहाँ सीकर हर्षनाथ से पता चला, मध्य में नागौर से पता चला, पुष्कर का पता कैसे चला? एक शासक का नाम लिखा हुआ चंदन राज, चंदन राज की पत्नी का नाम था आतम प्रभा। नाम सुना है क्या? और आतम प्रभा योग क्रिया में निपुण थी। एक अगर आज की बात करें तो वर्तमान की शिल्पा शेट्टी थी। बोलो सर। अच्छा हाँ जी, आपकी क्लास कहाँ कहाँ? SST वालों की 9 नंबर में। 9 नंबर जानते हो ना? 9 नंबर का इससे सामने जाकर इधर है। और साइंस वाले यहीं बैठे रहेंगे, हिंदी वाले 16 नंबर में जाएंगे, ऊपर चलना, इंग्लिश वाले उससे ऊपर 18 नंबर में, 16 के इधर जाना है, ठीक है? तो हिंदी वाले 16 नंबर में, इंग्लिश के हैं क्या? इंग्लिश 18 में। तो इन अंग्रेजी लिखता भैया, इंग्लिश में क्यों लिख लिया? अंग्रेजी वाले 18 नंबर में, ठीक है? बाकी साइंस वाले यहीं बैठे रहेंगे। तो ये जो आतम प्रभा थी ये योग क्रिया में निपुण थी। और आतम प्रभा पुष्कर जेल में हमेशा 1000 दीपक जलाती थी, और 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी। किसकी पत्नी? चंदन राज की। पत्नी का नाम क्या था? कौन सी जेल की बात है? पुष्कर जेल की, सांबर की नहीं, पुष्कर जेल की। इससे पता चलता है कि इनका क्षेत्र कहां से कहां तक था,
पुष्कर तक। हर्षनाथ से पता चलता है यहाँ अनंत प्रदेश में थे, राजधानी से पता चलता है नागौर में थे, और पुष्कर में आत्म प्रभा 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी। इसे पता चलता है कि कहाँ तक थे, पुष्कर तक थे। एक और पुष्कर की अगर बात करें तो एक आदमी का नाम आता है, ये कौन, पृथ्वीराज फर्स्ट। तो इससे पहले देखो ये जो शासक है इसमें हम पढ़ेंगे कि गुजरात का एक राजा था मूलराज फर्स्ट, उस मूलराज फर्स्ट को विग्रहराज सेकंड ने पराजित कर दिया और टैक्स वसूल किया। किससे टैक्स वसूल किया था, मूलराज से। कहां का राजा था, गुजरात का। टैक्स कौन लेता था, इसी विग्रहराज ने गुजरात का एक क्षेत्र जीता बढ़ोच, और बढ़ोच में चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर भी बनवाया। किसने बनवाया, कर किससे लेता था, मूलराज फर्स्ट से। फिर कहते हैं कि मूलराज फर्स्ट इसके समय भी था, ये खतरनाक आदमी था, तो मूलराज ने कोई कदम नहीं उठाया, फिर ये राजा बना। तो मूलराज ने अपने चालुक्यों को एकत्रित किया, गुजरात में कौन सा वंश, चालुक्य, चालुक्य वंश का आदमी, 700 चालुक्यों को एकत्रित किया और उन 700 चालुक्यों को कहा वहां जाओ चौहानों के क्षेत्र में, और वहां राजा है पृथ्वीराज फर्स्ट, उसको पीट कर जितने रुपए लेकर गए थे ना वो वापस लेकर आओ। कौन कह रहा है, मूलराज। तो कितने आदमी एकत्रित किए, 700 को भेजा। उनमें एक ब्राह्मण था, वो थोड़ा विद्वान आदमी था, उसने कहा महाराज उसको कूटने से पैसे मिल जाएंगे क्या, पता है क्या उसके पास पैसे है या नहीं होंगे। तो कहा क्या करे, तू बता। तो कहा पुष्कर है, पुष्कर में ब्राह्मण रहते हैं, आत्म प्रभा 1000 दीपक जलाती थी, वहां बहुत सारे आदमी आते हैं और हमेशा चंदा चढ़ाते हैं, तो उनके पास पुष्कर में भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ावा आता है, पक्का ब्राह्मणों के पास पैसा मिलेगा। उसके पास जाने के बजाय ब्राह्मणों के पास जाएं। किसने कहा, मूलराज के आदमियों ने। 700 चालुक्य एकत्रित होकर आए और ये आए कौन सी जगह, पुष्कर, ब्राह्मणों को लूटने के लिए। पृथ्वीराज को पता चला कि 700 आदमी आ रहे हैं, इसके पास पूरी सेना थी, सारी की सारी सेना लेकर पुष्कर चला गया, उन पूरे 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया और पुष्कर के ब्राह्मणों को बचा लिया। किसने, इसका मतलब इनका राज कहां तक था, पुष्कर तक। तीन कारण मिल रहे हैं, तो गुजर प्रत्यारों का क्षेत्र, सॉरी चौहानों का क्षेत्र कहां से कहां तक, लिखो चौहान वंश का विस्तार, चौहान वंश का विस्तार। अनंत प्रदेश, चौहान वंश का विस्तार अनंत प्रदेश, कोष्ठक में लिखना सीख कर, अनंत प्रदेश से लेकर पुष्कर तक था, अनंत प्रदेश से लेकर पुष्कर तक था, और एक लाइन और लिख लो, चौहानों की प्रथम राजधानी, चौहानों की प्रथम राजधानी ऐही छत्तरपुर, कोष्टक में लिखना नागौर, ऐही छत्तरपुर कोष्टक में लिखना नागौर थी। बाकी कल करेंगे।